एवरीवन, माय नेम इज आदिशा चंदेल एंड वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। आज हम लोग यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं आपके पॉलिटिकल का, बुक 1 का, जिसका नाम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, तो आप इसमें पकने नहीं वाले हो और आपको बहुत मतलब मजा आने वाला है इस चैप्टर को करते हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ विद दिस। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहले की जो वीडियोज है उसको भी जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से होता है एंड फाइनली एग्जाम में आप फुल में से फुल लाओ। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ विद दिस। तो अब इलेक्शन सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे चैप्टर शुरू होने से पहले ही इन्होंने 2 क्वेश्चंस हमारे ऊपर दे दिए हैं। हमको इन्होंने पूछा कि क्या डेमोक्रेसी रह सकती है विदाउट होल्डिंग इलेक्शन, एंड दूसरा क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी। तो ये जो 2 क्वेश्चंस वो हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये मतलब क्या दर्शा रहे हैं और इसका मतलब क्या है इसके पीछे, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, कैन वी हैव अ डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन, क्या ये हो सकता है? आपको लगता है कि विदाउट होल्डिंग इलेक्शन आप डेमोक्रेसी रख सकते हो? आप में से बहुत लोग कहोगे कि नहीं रख सकते, एंड यू आर राइट, हम नहीं रख सकते विदाउट होल्डिंग इलेक्शन। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी वो होता है जहाँ पे जो सारे सिटीजन होते हैं वो अपने डिसीजंस खुद लें, ठीक है, कोई और उनके ऊपर वो डिसीजंस ना थोपे। तो अगर हम सारे लोग अपना अपना डिसीजन जाके देने शुरू कर दें इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जो सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरी दुनिया में, तो आपको लगता है कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है हर डिसीजन को लेने के लिए? इतना ज़्यादा टाइम लगेगा सबके पास जाके पूछने के लिए, हाँ आप अपनी राय दें, आप अपनी राय दें। तो ऐसे इतना ज़्यादा टाइम जो होता है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इलेक्शंस होल्ड करते हैं। तो हर इलेक्शन में क्या होता है कि हर एक जगह पे कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ के लोग मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्ट होते हैं और उन लोगों को वोट देना होता है किसी एक लीडर को। तो हमें पूरा एक कम्युनिटी क्रिएट हो जाती है, ग्रुप क्रिएट हो जाती है कॉन्स्टिट्यूएंसी के विदिन, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लीडर निकलता है। उस लीडर को हमको डिसाइड करना होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं उनमें से कौन सा लीडर आएगा, एंड वो जो लीडर होते हैं वो जाके डिसीजंस बनाता है। तो हम डायरेक्ट पार्ट नहीं ले रहे होते डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, राइट? हम लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाके हमारी बातों को आगे रखते हैं। तो इसलिए जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इलेक्शन आता ही आता है। स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इलेक्शन आते हैं, लास्ट इलेक्शन जो हुआ था उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, तो क्योंकि इलेक्शन जो है वो आज के डेट पे मोस्ट विजिबल सिंबल बन चुका है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इलेक्शन बहुत इंटीग्रल प्रोसेस है। अब डेमोक्रेसी जो होती है आपकी, वो 2 मेन प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऐसी डेमोक्रेसी है जहाँ पे हर जो आपका डिसीजन होता है वो, जैसे मैंने आपको पहले बोला, हर सिटीजन के पास जाके पूछा जाता है, ठीक है, हर इंसान से जाके पूछा जाता है आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जैसे एंशिएंट ग्रीस में फॉलो की जाती थी। आज की डेट में अगर हम लोग इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया में जो आपके पंचायती सिस्टम होता है, ठीक है, ग्राम सभा बैठती है, वो भी एक तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही फॉर्म है, ठीक है, एक लोकल गवर्नमेंट में। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी में एक प्रॉब्लम आ जाता है कि आप कंट्रीज की बात करते हो जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, ठीक है, कंट्रीज लाइक इंडिया जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को नहीं मतलब आप कर नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों की राय लेने में इतना ज्यादा आपको टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव्स लाते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो हम लोग जाके डायरेक्टली नहीं इलेक्ट करते, पर हम लोग जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलते हैं कि भाई तुम जाओ, तुम हमारी बातों को आगे रखो, तुम हमारी प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशंस लाते दो। तो ये इलेक्शन जो होता है वो बहुत इंटीग्रल पार्ट हो जाता है। अगेन जो सिटीजन्स होते हैं, हमारा रोल लिमिट हो जाता है एक तरीके से, अगर हम कह सकें मेजर डिसीजंस को लेने पे, ठीक है, थोड़ा सा लिमिट जरूर हो जाता है रोल, बट हम तब भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट हैं हमारी कंट्री का। इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, क्या कि हर डेमोक्रेसी में ही इलेक्शन होते हैं, क्या मतलब अगर इलेक्शन हो रहा है तो क्या मतलब डेमोक्रेसी भी है वहाँ पे? तो इसका आंसर भी आपका होगा नहीं। अगर इलेक्शन हो रहा है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वहाँ पे डेमोक्रेसी भी हो। बहुत सारी मतलब कंट्रीज होती है जो नॉन डेमोक्रेटिक होती है नेचर में और वो भी होल्ड करती हैं इलेक्शंस को, वो इसलिए करती है बिकॉज वो चाहती है अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाना। तो अगर अभी हम लोग अभी बात करें तो बहुत सारे जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, राइट, यूनाइटेड नेशंस हो गए, आपकी जो लोन लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, IMF, वर्ल्ड बैंक, जो इसी के पार्ट में आ जाते हैं, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस उनको प्रेफर करती है जहाँ पे मतलब ह्यूमन राइट्स वगैरह और फिर वो मार्केट वाला सिस्टम वो सबको मद्देनजर रहते ही आप वो उनसे ट्रेड करना शुरू करोगे, राइट, आपकी एक रेपुटेशन क्रिएट हो जाती है बाय द वे दैट यू आर ट्रीटिंग योर सिटीजंस। उसी रीजन से बहुत सारी नॉन
डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक चाइना, ठीक है, वो अपने आप को बोलती तो है कि हम लोग डेमोक्रेसी है, बट वो नॉमिनल डेमोक्रेसी है. नॉमिनल मतलब नाम की डेमोक्रेसी, वो असली में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही है. वो बस इसलिए दिखा रही है कि वो डेमोक्रेटिक है बिकॉज उसको एक स्टैंड रखना है अपना, उसको अपने आप को एक तरीके से प्रेजेंट करना है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में. तो इसलिए आप देखो कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है बट तब भी वो इलेक्शन रखते हैं. तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए हमको चलना है. इसके बाद हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं जो हमको डिस्कस करना है, पर उससे पहले हमने ऊपर एक कार्टून देखा था उसको डिस्कस करेंगे. तो आप इस कार्टून को देखिए और आपको क्या दिख रहा है इसमें बताइए मेरे को. ठीक है, इस कार्टून में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लीडर्स हैं ये, है ना, और ये कुछ पकड़ रहे हैं ऐसा है, ये वोट वोट सिस्टम कुछ है और वो वोट्स को मतलब पकड़े जा रहे और कितना क्योटिक सिस्टम हो गया है. तो पहले क्या होता था, आपको स्लिप डालनी होती थी, पर्ची डालनी होती थी वोटिंग करने के लिए, थंबप्रिंट में इंप्रेशन डालना होता था वोटिंग करने के लिए, क्योंकि उस टाइम तो ईवीएम नहीं होते थे. ईवीएम क्या, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. ठीक है, तो जब उस टाइम पे आप देख सकते हो यहाँ पे इतना ज्यादा क्योस हो गया है, सब लोग वोट्स को कलेक्ट कर रहे हैं, सब वोट के पीछे भाग रहे हैं और कितना क्योटिक हो गया है. तो ये एक तरीके से दर्शा रहा है वो साइड ऑफ डेमोक्रेसी जहां पे इलेक्शंस के वजह से बहुत ज्यादा केओस भी होता है. तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए चलेंगे. आगे बात करेंगे इलेक्शन सिस्टम्स की. तो इलेक्शन सिस्टम्स की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि इलेक्शन सिस्टम जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा डिफर करते हैं कंट्री टू कंट्री. ठीक है, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे हमने कहा अच्छा डेमोक्रेसी है तो एक ही तरीके का इलेक्शन सिस्टम फॉलो होगा. नहीं, डेमोक्रेसी के विद इन भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इलेक्शन मतलब आपके तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे हम दो मेजर तरीकों की बात करेंगे. एक होता है आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो इंडिया में फॉलो किया जाता है, और एक होता है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो इसराइल वगैरह वाली कंट्रीज में फॉलो करते हैं. इंडिया में भी करते हैं बट किस लेवल पे करते हैं वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे. तो इलेक्टोरल सिस्टम की बात जब हम लोग करते हैं तो इंडिया का जो सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, वो ऊपर ये जो लिखा है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तभी मैं इसको स्किप मार रही हूँ. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है यहाँ पे आपका, मैं आपको एक केस स्टडी पढ़ाते हैं. सबसे पहले केस स्टडी यहाँ पे ये है कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ 1984 में. ठीक है, 1984 में लोकसभा इलेक्शन होता है और जो आपकी कांग्रेस है वो आपकी 543 सीट्स में से 415 सीट्स जीती है. दैट इज 80% ऑफ द सीट्स कांग्रेस जीत जाती है. आप बोलोगे वाह भाई बहुत बड़ी बात है, मतलब कि इतने सारे लोगों को कांग्रेस पसंद आएगी. उस टाइम पे कांग्रेस मतलब सबसे पॉपुलर पार्टी होगी, सबसे ज्यादा लोग पसंद करते होंगे कांग्रेस को, एवरी वन विल बी वेरी हैप्पी अबाउट कांग्रेस कमिंग टू पावर अगर 80% सीट्स मिली है. बट ऐसा नहीं होता है. कांग्रेस जो है उसको 80% सीट तो जरूर मिल गई बट कांग्रेस को वोट सिर्फ 48% मिले. उसको जो वोट मिला वो सिर्फ 48% था. आप देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है. 80% सीट्स उठा के बैठी है बट वोट उसको 48 मिले हैं. 48 मतलब आधे से ज्यादा लोगों ने जिनने वोट दिया उन लोगों ने कांग्रेस को नहीं वोट दिया, पर तब भी वो पार्टी आई आपके ऊपर. ठीक है, तो ये क्या सिस्टम है, ऐसा क्यों होता है इंडिया में, ये क्या हम लोगों ने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लिया है. आप लोग अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे इसके बारे में. तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं फटाफट से आपके पास. फॉर एग्जांपल आपके पास पांच कॉन्स्टिट्यूएंसीज है कंट्री में. ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल नंबर्स में खेलेंगे समझाने के लिए. तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है ए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है बी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई आपकी डी और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई ई. तो ये जो पांच ही आपके पास मेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज है. ठीक है, और आपके पास बहुत सारे मतलब पार्टीज है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, बट हम लोग सिंपल रखने के लिए हम कह सकते हैं कि 10 सीट्स पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से आप सिर्फ 10 सीट ही जीत सकते हो. तो यहाँ पे हम लोग फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं, कांग्रेस पार्टी आ रही है. ठीक है, कांग्रेस पार्टी को ए वाले उसमें 4 सीट्स मिलती हैं, कांग्रेस पार्टी को बी में 6 सीट्स मिलती हैं, सी में कांग्रेस पार्टी को 4 सीट्स मिलती हैं, डी में कांग्रेस पार्टी को 5 मिलती हैं और ई में कांग्रेस पार्टी को 3 सीट्स मिलती हैं. ठीक है, तो ये सारा उसका डिवीजन है. बट अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैंने आपको बोला कि इतनी इतनी सीट्स तो उसको मिल गई बट जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें से एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जिसको कांग्रेस से ज्यादा सीट मिली. इसका मतलब हो गया कि ए अगर है, हम लोग ए का एग्जाम्पल है, तो ए में 10 में से 4 सीट कांग्रेस की हो गई, मतलब 6 सीट्स हैं जो कांग्रेस के पास नहीं है. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास ये 6 सीट्स हैं, इसमें भी डिवाइडेड है. फॉर एग्जाम्पल 2 बीजेपी की हो गई, 2 आम आदमी पार्टी की हो गई. ठीक है, ऐसे ऐसे करके उसमें डिवाइडेड हो गया है. तो इस मानने से देखा जाए तो ए में सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी है जिसके पास वोट्स है, मतलब सबसे ज्यादा सीट्स जिस पार्टी के पास है वो कांग्रेस की है. ठीक है, तो अगर हम ऐसा अजम्पशन मारते हैं कि ए बी सी डी ई सब में यही सिनेरियो है और हर उसमें कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा सीट्स हैं, तो ये मतलब हो गया मैक्सिमम सीट्स अ पार्टी हैज इन ऑल ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो अब क्या होता है,
आपकी जो कांग्रेस हो गई है वो 100% उसको सीट्स मिल गई है इस सिनेरियो में, ठीक है। सीट्स तो वो 100% ले आई, हर उसमें वो जीत जाती है, उसको 100% सीट आ जाती है। बट क्या वो वोटिंग सही उसमें लाई है? नहीं, वोटिंग उसको 100% नहीं मिला। कितना मिला एक बार कैलकुलेट करते हैं। ये आपका 4 6 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 3 आपका कितना हो जाता है? 22। तो अब आप इसमें से देखिए 22 हो गए, और टोटल वोट कितना हुआ उसको भी देख लेते हैं। 22 डिवाइडेड बाय 50 टाइम्स 100, तो मतलब कि सिर्फ 44% वोट्स मिले। ये मैं दिखाना चाह रही हूँ कि सीट्स तो वो आपकी 100% ले गई, ठीक है, पांचों की से पांचों कॉन्स्टिट्यूएंसी उसके अंदर आ गई है, बट वोट आपको सिर्फ 44% लोगों ने किया है कांग्रेस में, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटे से लेवल पे दिखा रही थी। जब आप इंडिया की पूरी बात करोगे तो इंडिया में और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये पूरा सिस्टम हो जाता है। तो ये होता है आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है कि पूरे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें सबसे ज्यादा जिसके पास भी आपके पास वोट्स आ जाते हैं वो इंसान जीत जाता है। जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे वो वाला इंसान जीत जाएगा। ये बेसिक सिस्टम होता है यहाँ पे। तो यही है, फिर से इसमें डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारी कंट्री में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, और जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा नंबर होंगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि अगर 10 आपके पास वोटर्स हैं तो उन 10 में से 5 से ज्यादा लोगों को वोट करना जरूरी है तभी आप आओगे। नहीं, अगर उनमें से 4 लोग मतलब ने भी वोट किया और वो मैक्सिमम है बाकी कैंडिडेट्स के कंपेरिजन में, तब हम कह सकते हैं कि वो इंसान डिक्लेयर हो जाता है एज द विनर। तो कैंडिडेट जिसको भी आप बेसिकली इतना याद रखिए कि कैंडिडेट जिसके हाईएस्ट नंबर हो गए वोट्स के वो जीत जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसका एक और नाम है जिसे कहा जाता है प्लुरैलिटी सिस्टम। ओके, ये हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है। और फिर हाँ, यही सब पूरा डिस्कस हुआ है यहाँ पे कि जरूरी नहीं है कि आपको 50% से ज्यादा लाना जरूरी है। आप अगर हाईएस्ट लाए हो और वो आप 50% से नीचे भी है वोट्स, तब भी कुछ नहीं होता, आप ही विनर माने जाएंगे। नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने आपको जब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में बताया तो मैंने आपको, आपने देखा होगा कि कितना डिस्प्रोपोर्शन था, ठीक है। 100% सीट से आप जीत रहे हो पर आपको मिल रहे हैं 44% वोट्स। तो ऐसा जब डिस्प्रोपोर्शन देखने को मिलता है तो मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है हम लोगों के भी दिमाग में, राइट, कि मतलब ऐसा सिस्टम क्यों हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है जो इतना अनजस्ट सा है। तो हम अब एक एग्जांपल लेंगे पीआर सिस्टम का। पीआर मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका काम ही यही है कि जितना परसेंट का वोट मिलेगा उतना परसेंट का ये सीट्स मिलेगा, उतने ही प्रोपोर्शन में मिलेगा। तो अब ये वाला सिस्टम आप लोगों को ज़्यादा जस्ट लगेगा, ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। तो इसराइल में ये वाला सिस्टम फॉलो किया जाता है, और इसके बॉक्स नीचे दिया गया है उसको भी हम लोग एक बार देखेंगे। ये हो गया आपका पीआर सिस्टम, जहाँ पे सेम प्रोपोर्शन के वोट्स मिलेंगे तो सेम ही प्रोपोर्शन की सीट्स मिलेगा। अब ये जो पीआर सिस्टम होता है इसमें भी दो मेजर वेरिएशन इन्होंने यहाँ पे मैंशन किए हैं। सबसे पहले वेरिएशन होता है जहाँ पे पूरी कंट्री को ही वो लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मानते हैं, ठीक है, मतलब पूरी कंट्री ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मैंने आपको बोला इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर मैंने कहा पूरी इंडिया ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो सोचो क्या होगा। तो इस सिस्टम में, आपके पीआर सिस्टम में, पूरी कंट्री में एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है। और ये कौन सी कंट्रीज में फॉलो हो रहा है? इसराइल और नीदरलैंड्स में, ठीक है। और दूसरा मेथड होता है जहाँ पे एक कंट्री में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, तो ये फॉलो होता है अर्जेंटीना और पोर्चुगल में। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कंट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है, साइज में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो आपको ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसको डिवाइड ही कर देना पड़ेगा। तो ये दो मेजर पार्ट्स हो गए आपके पीआर सिस्टम के। अब क्या इसका ये मतलब है कि इंडिया में पीआर सिस्टम बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता? ऐसा नहीं है, इंडिया में भी फॉलो किया जाता है, पर बहुत लिमिटेड स्केल में फॉलो किया जाता है, बहुत लिमिटेड तरीके से फॉलो किया जाता है। तो आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो इंडिया में जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं, तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने वाला प्रोसेस, आपके वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने वाला प्रोसेस जो होता है, राइट, वो सारे ये जो प्रोसेस होते हैं, और बाकी इलेक्शन होते हैं राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद में, ये वाले प्रोसेस को आप पीआर सिस्टम के थ्रू ही करते हो। तो इंडिया में एक बार फिर से, इंडिया में जो आपका जनरल इलेक्शंस होते हैं, जो स्टेट इलेक्शन हो गए आपका, मतलब सेंट्रल इलेक्शन जो होते हैं, ये सारे इलेक्शंस में आप लोगों का FPTP सिस्टम फॉलो हो रहा है, बट पीआर सिस्टम आपका वहाँ पे फॉलो हो रहा है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह वाले सिस्टम्स में आ गया, राज्यसभा, विधान परिषद, यहाँ पे ये फॉलो किया जाता है। तो अब मैंने यही दिखा रही थी आपको, बॉक्स एक बार देख लीजिए। यहाँ पे बॉक्स में आप देखेंगे कि ये पार्टीज के लिस्ट यहाँ पे दे रखे हैं, और इधर परसेंटेज ऑफ वोट दे रखा है, और नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर आप ये पूरा जब इसको सॉल्व करोगे एक एक करके बैठ के, तो आपको नोटिस होगा कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर आ रहा है, ये ऑलमोस्ट बहुत सेम ही होगा, बहुत क्लोज में होगा ये वाले नंबर्स। और ये क्यों इतना क्लोज में होंगे? बिकॉज
पीआर सिस्टम है, जितना परसेंटेज सीट मिलती है उतना परसेंटेज वोट मिलता है, सॉरी जितना परसेंटेज वोट मिलता है उतना परसेंटेज सीट्स आपको मिल जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है कंपैरिजन ऑफ एफपीटीपी एंड पीआर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट हमेशा यही वाला क्वेश्चन आ जाता है आपके मतलब जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। अब एफपीटीपी सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए। पीआर सिस्टम में ऐसा ज़रूरी नहीं है, पीआर सिस्टम में यूजुअली क्या होता है एक ही कंट्री को पूरा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मारता है, तो ज़्यादा बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं होती। दूसरा आपका यहाँ पे हो गया कि एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, यहाँ पे नहीं होता, मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़्यादा आ जाए। तीसरा है कि यहाँ पे वोटर्स वोट फॉर कैंडिडेट, अच्छा इधर लिखा है एफपीटीपी में यूजुअली क्या होता है वोटर्स कैंडिडेट के लिए वोट कर रहे होते हैं, और पीआर सिस्टम में यूजुअली क्या होता है कि लोग पार्टी के लिए ज़्यादा वोट कर रहे होते हैं। ये इंटायरली ट्रू नहीं है एफपीटीपी में भी, आप भी अभी भी देखोगे इंडिया में बहुत सारे लोग कभी कभी अपने कैंडिडेट के लिए नहीं करते, पार्टी के लिए उनको लगता है अच्छा हाँ बीजेपी बहुत अच्छी है कांग्रेस बहुत अच्छी है तो उस बेसिस पर करते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका चौथा यहाँ पे कि अ पार्टी में गेट मोर सीट्स देन द वोट्स इन लेजिस्लेचर, वहीं जो मैंने एग्जाम्पल बताया कि कांग्रेस को 84 में 48% वोट्स मिले थे बट सीट्स वो 80% ले गई थी, तो ये यहाँ पे ये हो जाता है। बट यहाँ पे पीआर सिस्टम ऐसा नहीं होता है, सेम प्रपोर्शन में मिलता है। फिफ्थ आपका पॉइंट यहाँ पे ये हो जाएगा कि कैंडिडेट्स जिनको जो जीतते हैं ज़रूरी नहीं है कि उसको 50% से ज़्यादा वोट मिले, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको 50% से ज़्यादा मिले, अगर आपसे कम आपसे ज़्यादा वोट कोई लाया नहीं है और आपको 50% से कम मिला है तब भी आप लीडर बन सकते हैं। और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स जीतते हैं उनको ज़रूरी है कि वो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ही लाएँ, ठीक है। एग्जाम्पल आपका हो गया यूके इंडिया, और यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया इज़राइल और नीदरलैंड्स। अब हम लोग बात करेंगे ये जो पीआर सिस्टम जो राज्यसभा में फॉलो होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें ध्यान दीजिए, मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा स्टार्ट स्टार्ट में, बट एक बार आप समझ लेंगे तो फिर आपको अच्छे से मतलब हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, मैंने आपको बोला पीआर में दो मेजर हैं, एक और सिस्टम है यहाँ पे थर्ड वेरिएंट हो गया पीआर का जिसको कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और ये वाला सिस्टम है जो इंडिया ने अडॉप्ट किया है। अब इस सिस्टम में क्या होता है कि आपके राज्यसभा इलेक्शन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो राज्यसभा जो होता है आपका वहाँ पे नाम से है ना राज्य, तो स्टेट्स के जो एमएलएज होते हैं वो वहाँ पे जाके बैठते हैं और वहाँ से वो लोग मतलब राज्यसभा के मेंबर्स बनते हैं, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, लोग नहीं इलेक्ट करते हैं अपने लोगों को जैसे लोकसभा में होता है, यहाँ पे इनडायरेक्टली होता है, स्टेट में जो बैठे होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव में वो इलेक्ट करते हैं वहाँ पे। तो वोटर्स कौन हो गए आपके, वोटर्स हो गए एमएलएज जो हैं सारे स्टेट्स में, स्टेट लेजिस्लेचर हो गए। अब यहाँ पे एक फॉलो किया जाता है फॉर्मूला, ये वाला टोटल वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड प्लस वन, और उसमें पूरे में प्लस वन, तो ये बेसिकली मिनिमम कोटा है, इतना है तो आपको वोट्स लाना ही लाना है टू बिकम मतलब इलेक्टेड। तो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि 200 MLAs हैं, ठीक है, जिनको इलेक्ट हम हैव टू बी इलेक्टेड बाय 200 MLAs, अच्छा ठीक है 200 वोटर्स है यहाँ पे, आप ऐसे सोच सकते हो 200 MLA बैठे हैं राजस्थान में और वो 200 MLAs ही वोटर्स हो गए क्योंकि राज्यसभा इलेक्शन है, अब उनको वोट करने चार राज्यसभा के मेंबर्स, ठीक है 200 हम बैठे हुए हैं, हमको अपने में से चार मेजर लोगों को सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल में क्या होता है, यहाँ पे हर इंसान को प्रेफरेंस शीट बनानी पड़ती है अपने, ठीक है प्रेफरेंस शीट बनानी पड़ेगी आपको, और उसके बाद आपको बताना होगा कि अच्छा मुझे चाहिए कि ये इंसान सबसे पहले आए फिर ये इंसान आए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में अभी प्रेफरेंस शीट्स बन रही हैं राइट, कि आप अपना सबसे ऊपर अपना प्रायोरिटी कॉलेज रखें फिर उसके नीचे नीचे जाते रहे, तो यही एग्जैक्टली यहाँ पे भी होता है कि आप अपना प्रेफरेंस शीट्स बनाइए, ठीक है। तो अब जब प्रेफरेंस शीट्स बनती हैं तो जो आपके फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस है लाइन में उसको काउंट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल कि आपके पास तीन यहाँ पर चार प्रेफरेंस शीट है और डिबेट चल रहा है कि सबसे फेवरेट फ्रूट कौन सा है, सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा होता है, तो मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैंगो, एक बोला एप्पल फेवरेट है किसी का, एक बोला ऑरेंज है, फिर दो और लोग बोल गए मैंगो ही है फेवरेट उनका, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे तीन लोगों ने मैंगो को चूज कर लिया है ना, तो आप बोलोगे ठीक है डिक्लेयर हो गया। आप अगर अगर आपका थ्री या फिर थ्री प्लस आपका मिनिमम क्राइटेरिया था, ठीक है अगर थ्री या फिर थ्री प्लस आपका मिनिमम क्राइटेरिया था और आपने इधर देखा कि इतने सारे लोग हैं और उसमें से तीन लोगों ने सिलेक्ट कर लिया मैंगो, तब आपका मैंगो जो है वो चला जाएगा, आपने कहा हाँ ठीक है मैंगो इज द विनर। बट अगर मैंने कहा नहीं फॉर एनी फ्रूट टू बी डिक्लेयर द बेस्ट फ्रूट आपको चार से ज्यादा वोट तो चाहिए ही चाहिए होंगे, पर यहाँ पे तो चार वोट ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम सेकेंड लाइन में जाएंगे, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस देख ली अब सेकेंड देखेंगे, तो यहाँ पे ए एम
एम एम और एम, इसको थोड़ा सही करने के लिए यहाँ पे एक ओ भी डाल देते हैं साइड में अलग से, ठीक है, जिसके नीचे ए लिखा है फॉर एग्जाम्पल। तो अब आप देखोगे कि एम ए ओ एम एम ओ, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम कौन सा फ्रूट को पसंद किया गया है, एप्पल को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चल रहा है। तो एप्पल को हटा देंगे यहाँ से, अब हम एप्पल को कंसिडर नहीं कर रहे, अब एप्पल फर्स्ट लाइन से हट गया है। अब इस लिस्ट का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बन गया, अगर एप्पल हट गया तो नीचे वाला बन जाएगा, है ना, जो सेकंड पे नंबर है, और वो है मैंगो। तो अब कितने हो गए, 1 2 3 4, एंड आपने अपना क्राइटेरिया फिल कर लिया। तो यहाँ पे भी राज्यसभा में यही होता है कि आपको बताना होता है कि आपके जो मतलब वोटर्स हैं, आपको जो प्रेफर करते हो, आपको उनकी पूरी पूरी प्रेफरेंस शीट बनानी होती है, एंड देन उसके बाद वो प्रेफरेंस शीट में देखते हैं। अगर पहली लाइन में ही आपने क्राइटेरिया को क्लियर कर लिया तो वो लोग आपके हो गए राज्यसभा में बैठ जाएंगे, बट अगर पहली लाइन में क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहा पा रहा है तो उस चीज़ के लिए आपको जो सेकेंड मतलब सबसे लीस्ट जो आया है पहली लाइन में, ठीक है, सबसे लीस्ट बार जो आया है पहली लाइन में, उस इंसान को नाम हटा दो पहले उससे, और जो उसके सेकेंड नंबर पे है उसको ऊपर दो। और यही प्रोसेस पूरा चलता जाता है चलता जाता है, जब तक आप मिनिमम क्राइटेरिया कोई क्लियर नहीं करता और वो ऊपर नहीं जाता। अब मैंने आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है, आपको बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा, अभी रिवाइंड करके देख रहे होगे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम बना रखा है। और इसका यही सबसे पहला रीज़न कि वाई डिड इंडिया नॉट अडॉप्ट द पीआर सिस्टम, वाई डिड इंडिया अडॉप्ट द एफपीटीपी सिस्टम, सबसे पहला रीज़न यही है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ये पीआर वाला सिस्टम, कि जो आम जनता है जिनको कोई पॉलिटिकल नॉलेज ही नहीं है उनको समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। तो एक्सट्रीमली इजी बनाने के लिए अपने पूरे इस सिस्टम को हम लोग ने एफपीटीपी सिस्टम दिया है, ठीक है। एफपीटीपी सिस्टम का पहला रीजन क्या हो गया हमारे पास, कि हमको एक आसान सिस्टम लेना है सो दैट पीपल आर एबल टू बेटर अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है। उसके अलावा दूसरा आपके पास फैक्ट हो गया कि वोटर्स जो होते हैं उनके पास खुद का पूरा राइट होता है कि आपको कैंडिडेट के लिए वोट करना है या फिर पार्टी के लिए वोट करना है, ठीक है। आपको कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई एबीसी पार्टी है, ठीक है, और आपको वो पार्टी नहीं पसंद आती, बट वो कैंडिडेट जो खड़ा है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उस पार्टी के लिए, आपको वो बहुत अच्छा लगा, आपको लगा कि हाँ भाई इसमें दम है, ये हमारे लिए लड़ देगा, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे ठीक है मैं कैंडिडेट के लिए वोट दे रही हूँ एबीसी पार्टी को, ठीक है। कभी कभी होता है कि कैंडिडेट उतना नहीं पसंद आ रहा बट आपको एबीसी पार्टी बहुत पसंद आ रही है, आपको चाहिए कि एबीसी पार्टी ये आपकी जीते पूरे मतलब सेंटर उसमें आए, तो आप क्या करोगे कि आप अपना वो एबीसी पार्टी को वोट दोगे बिकॉज ऑफ एबीसी पार्टी, राइट। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके अलावा आपका जो एफपीटीपी सिस्टम होता है उसमें आप देख सकोगे कि जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को, क्योंकि वो लोग जानते हैं, पीआर सिस्टम में कैंडिडेट से आप ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी नहीं मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो, एफपीटीपी सिस्टम में क्योंकि आप कैंडिडेट को जानते हो, वो आपके लिए ही खड़ा है वहाँ पे, तो आप उससे अकाउंटेबिलिटी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप मतलब उसके पास जा सकते हो, पूछ सकते हो कि आप हमारे वो जो प्रॉब्लम्स है आप उसको क्यों नहीं रख रहे हो ऊपर, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, ये कार्टून देखिएगा, यहाँ पे आपके बहुत फेमस फेमस लीडर सारे खड़े हुए हैं और एक स्मॉल ऑपोजिशन की आवाज़ को सुन रहे हैं, तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बस यही है कि कांग्रेस पार्टी जो थी इतनी ज़्यादा डोमिनेंट पार्टी थी उस टाइम पे कि वो जो ऑपोजिशन है उसकी आवाज़ दब जा रही थी, राइट, उसकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई नहीं दे रही थी, वो उतना ज़्यादा अपने पॉइंट्स को आगे रख नहीं पा रहा था। तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ बैकड्रॉप हमारे इंडियन उसमें, बट ये जो है इसका ये मतलब नहीं है कि जो स्मॉल माइनॉरिटीज़ हैं उनको इलेक्शन में आगे वो बोलने के अब इजाज़त नहीं दिया जाते या फिर उनको पावर नहीं दिया जाता, उसके बारे में हम लोग अभी आगे कर पढ़ेंगे। तो अब मैंने आपको पीआर सिस्टम का बताया, तो पीआर सिस्टम में आपने नोटिस किया होगा कि आपके जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कैंडिडेट्स मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जरूरी नहीं है कि एक ही इंसान, बहुत सारे इंसान है, ठीक है, और बिकॉज आपको उतने ही प्रपोर्शन के वोट्स मिलेंगे तो क्या हो जाता है कि मेजोरिटी नहीं होती है आपकी लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा या फिर जो भी उनके पास पार्लियामेंट होता है वहां पे, पार्लियामेंट में आपके पास मेजोरिटी नहीं होगी। एफपीटीपी में क्या होता है, आपके पास कोई ना कोई पार्टी तो जरूर होगी जो मेजोरिटी में बैठी होगी, ठीक है, जो मेजोरिटी सीट्स पे बैठी होगी। तो अब क्या होता है जब आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आता है, ठीक है, कि मतलब कोई भी डिसीजन लेना है आपको, तो उस डिसीजन को लेते समय क्या हो जाता है कि अगर आप बहुत सारे डिफरेंट व्यूज के लोग हो जाते हैं तो वो प्रोसेस बहुत खिंचता चला जाता है, बहुत खिंचता चला जाता है, हर चीज़ को डिस्कस करो, डिलिब्रेट करो, डिबेट्स होती है, रायट्स होते हैं, प्रोटेस्ट हो जाते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें जो हो जाती हैं वो इसलिए हो रही होती है बिकॉज बहुत कम कम प्रपोर्शन में सब लोग बैठे हुए हैं, सबके पास इक्वल राइट्स हो जाते हैं। बट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर एफपीटीपी सिस्टम में जब एक मेजोरिटी आ जाती है, ठीक है, तो एक तरीके से जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा आसान पड़ जाता है बिकॉज वो गवर्नमेंट ऊपर आ गई है ना, तो हर मतलब ऐसा ये नहीं होता कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज के लोग साथ में बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े चंक के लोग साथ में बैठे हुए होते हैं यहाँ पे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मतलब ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट जब आती है तो फंक्शन स्मूथली हो जाती है।
फाइनली जो आपका एसपीटीपी सिस्टम है ये इनकरेज करता है वोटर्स को फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू विन एन इलेक्शन इन अ लोकेलिटी। तो क्या होता है कि मतलब अगर आप पीआर सिस्टम में आओगे तो पीआर सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी तो पूरा नेशन ही आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाता है, तो आपको एक नेशन पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, बिफोर मतलब बिकमिंग अपना खुद का लीडर आपको एक नेशनल पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा जिससे कि आप मतलब फेमस हो सको, जिससे आप लड़ सको इलेक्शन में। बट इंडिया में आप अपनी खुद की भी पार्टी शुरू कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मतलब किसी बहुत मेजर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें, वो विल डेफिनेटली हेल्प, बट आप तब भी जीत सकते हो अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को प्रूव कर सकते हो कि आप केपेबल हो। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका कि एफपीटीपी सिस्टम जो है वो आपका जो है बहुत ऑर्डिनरी सा सिस्टम होता है और वो बहुत ज़्यादा सिंपल लगा ऑर्डिनरी वोटर्स को, राइट, वो उन लोगों को बहुत अच्छे से उस पर काम कर पाए, एंड इट हैज़ हेल्ड लार्जर पार्टीज टू विन मेजोरिटीज एट द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। आपकी जो देखो कि लार्ज पार्टीज होती हैं वो यूजुअली वहीं आती हैं, और एफपीटीपी सिस्टम में क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम क्रिएट हो जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें अभी भी, तो इंडिया में भी हमारे पास मेन दो सो ही कॉम्पिटिटर है ना नेशनल लेवल पे, या तो कांग्रेस आएगी या तो बीजेपी आएगी, हमेशा यही रहता है, इन दोनों में ही जीतना है किसी को। तो ये जो टू पार्टी सिस्टम होता है ये ज़रूर एक तरीके से क्रिएट हो जाता है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आ नहीं सकती हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे कोलिशंस होते हैं, राइट, अभी मतलब आपने आप आगे पढ़ोगे क्लास में एरा ऑफ कोलिशंस शुरू हो जाता है, तो फिर उसके बाद इतने सारे कोलिशंस आते हैं, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी पार्टीज का भी महत्व बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी आएगी तो वही जीतेंगे, नहीं, जो छोटी पार्टीज है वो भी इनके साथ कोलिशन में आ सकती है और इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा छोटी छोटी पार्टीज का, तो माइनॉरिटीज जो हो जाती है उनका भी आवाज आगे रखी जाएगी। इसके अलावा दूसरा वे है जो अब माइनॉरिटीज की आवाज़ को आगे रखने का, वो है आपका रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तो क्या होता है कि एफपीटीपी सिस्टम मैंने आपको जैसे बताया कि जिस इंसान को मेजॉरिटी वोट्स मिले वही इंसान आपका आगे लीडर बनता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर मतलब अगर मेजॉरिटी की बात करें तो लोग क्या करते हैं, वो हमेशा अपने वोट मतलब जो कम्युनिटी के लोग हैं उसको ज़्यादातर वोट दे देते हैं अनफॉर्चुनेटली, राइट, वो देखते नहीं है कि सामने वाला कितना काम कर रहा है, वो अपनी कम्युनिटी का देख देता है वोट। तो ऐसे जब जब होता है तो जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ होती हैं आपकी एससी एसटी कम्युनिटीज़ होती हैं, तो उन लोगों के जो लीडर्स होते हैं वो आगे आ नहीं पाते बिकॉज उनके पास पॉपुलर सपोर्ट नहीं होता ज़्यादा, ठीक है, एज कम्पेयर टू समबडी जो जनरल उससे होता। तो इस रीज़न से आपको रिजर्वेशन करना ज़रूरी हो जाता है थोड़े थोड़े जगहों में। तो यही एग्जैक्टली यहाँ पे बोला है, एक तरीका था पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था सेपरेट इलेक्टोरेट। अब सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, रिजर्वेशन में आपके जो पॉलिटिकल लीडर है वो सिर्फ एक आपका एक कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, यही होता है, ठीक है, वोट सब लोग कर सकते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लोग भी करेंगे, एससी के भी करेंगे, एसटी के करेंगे, बट जो लीडर है निकलेगा, ठीक है, वो एक ही कम्युनिटी का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई एसटी रिजर्व्ड है तो वो एससी या फिर जनरल कैटेगरी के नहीं हो सकते हैं, एसटी के ही वो लीडर आएंगे, बट जनरल कैटेगरी एंड एससी वाले लोग भी अलाउड होंगे वोट करने के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि अगर एससी का ही लीडर कोई आएगा या फिर एसटी का ही कोई लीडर आएगा तो बाकी जो सारे लोग हो जाते हैं वो भी सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी के ही हो सकते हैं, जनरल कैटेगरी को अलाउड नहीं होगा वोट करने का। तो आप सोच सकते हो ना आप क्या कर रहे हो इस सिचुएशन में, सेपरेट इलेक्टोरेट में आप लोगों से उनका राइट टू वोट छीन रहे हो जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है आपका, है ना, डेमोक्रेसी। तो तभी जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे उन्होंने मना कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट वाले सिस्टम को, उन्होंने कहा कि हम लोग ये वाला सिस्टम फॉलो करेंगे, हम लोग रिजर्वेशन ज़रूर ले आएंगे। अब जब रिजर्वेशन की बात करें तो एससी और एसटी दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपका रिजर्वेशन होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये जो प्रोविजन था ये पहले सिर्फ 10 ईयर्स के लिए था, जो इनिशियल 10 साल का पीरियड था, बट अब उनने 2020 से एक्सपैंड करते जा रहे हैं, वो 2020 से तक एक्सपैंड करते गए, अभी भी एक्सपैंड हो गया है आई बिलीव। अब यहाँ पे 543 सीट्स हैं एज ऑफ 26 जनवरी 2019 है ये डेटा, 543 सीट्स में से 84 आपकी एससी की हैं एंड 47 आर रिजर्व फॉर योर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब ये जो काम है आपका कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना, रिजर्वेशन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को देनी है वो सब देखना, ये कौन काम करता है, क्या ये भी पूरा इलेक्शन कमीशन के अंदर आता है? नहीं, इसके लिए हम एक डिफरेंट कम्युनिटी बनाते हैं, कमीशन बनाते हैं, जिसका नाम है डेलिमिटेशन कमीशन। तो डेलिमिटेशन कमीशन हो गया, इसका काम ही होता है कि आपकी बाउंड्रीज ड्रॉ करना, ठीक है। डेलिमिटेशन कमीशन बाउंड्रीज ड्रॉ करती है, वो देखती है कि रिजर्वेशन कहाँ कहाँ पे आनी चाहिए। इसको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और ये इलेक्शन कमीशन के साथ काम करती है, उसके अंडर नहीं,
कोलैबोरेशन में काम करती है। यहाँ पे एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि इतने प्रपोर्शन तो हर स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई स्टेट है जहाँ पे ज़्यादा SC ST कैटेगरी के लोग हैं तो वहाँ पे ज़्यादा प्रपोर्शन होंगे सीट्स के एज़ कम्पेयर टू सम स्टेट जहाँ पे थोड़े कम मेंबर्स होंगे उस कम्युनिटी के। तो डेलिमिटेशन कम्युनिटी सबसे पहले आपकी बाउंड्रीज बनाती है, उसके बाद वो देखती है कि कहाँ पे रिजर्वेशन करना है। तो ST के लिए क्या करती है, सिंपल देखती है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है ST का, हाईएस्ट प्रपोर्शन कहाँ पे है, सॉरी ठीक है, हाईएस्ट प्रपोर्शन कहाँ पे है वो देखती है। एंड देन उसके बाद वो डिसाइड करती है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम लोग ST रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कर देते हैं। SC के लिए क्या करती है, वो दो चीज़ें करती है। सबसे पहले वो कॉन्स्टिट्यूएंसी देखती है जहाँ पे हाइयर प्रपोर्शन हो गया SC का ST की तरह सेम। ऑल्सो वो मेक श्योर करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं स्प्रेड आउट है, ठीक है, स्प्रेड आउट है, क्योंकि SC एज कम्पेयर टू ST कैटेगरीज आर मोर स्प्रेड आउट इन इंडिया, ठीक है, वो आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। तो इसलिए वो ये करने के लिए कि एक जगह पे हम लोगों ने एक कम्युनिटी को बंद नहीं कर दिया, उस रीजन से वो स्प्रेड आउट करती रहती है कि हर जगह पे स्प्रेड होते रहे। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि रिजर्वेशन तो ST SC कैटेगरी के लिए है ही, बट बाकी कैटेगरीज के लिए भी लोगों ने पूछा है कि इसमें होना चाहिए, स्पेसिफिकली फॉर वुमेन। तो वुमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन के लिए हमेशा बात होती है, बिकॉज वुमेन आपकी वन मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज वुमेन, बट वुमेन आपकी बहुत कम होती है नंबर में इन द पार्लियामेंट, तो वो डिसीजन मेकिंग में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन हुए हैं। इस अमेंडमेंट को हमने प्रपोज तो बहुत बार किया है पार्लियामेंट में, बट कभी इसको पास नहीं हो पाया ये पार्लियामेंट में। और जहाँ तक रिजर्वेशन ऑफ वुमेन की बात है तो ये सिर्फ लोकल गवर्नमेंट में हमने देखा है एंड बहुत सक्सेसफुल होते हुए देखा है कि मतलब जेन्युइनली बहुत सारी वुमेन पार्टिसिपेट इसमें करती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अगर आपका इलेक्शन सिस्टम का ट्रू टेस्ट है वो होता है आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कर पा रहे हैं जहाँ पे कोई माल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है, देन आप कह सकते हैं कि आप लेजिटिमेट एक्सप्रेशन दिखा पा रहे हैं अपना, ठीक है, लेजिटिमेट एक्सप्रेशन आप अपना दिखा पा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यूनिवर्सल अटल फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अटल फ्रेंचाइज आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे कि आपका सिर्फ एक प्रोविजन था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ था, कोई डिबेट नहीं हुई थी, एंड वो था यूनिवर्सल अटल फ्रेंचाइज कि हर इंसान के पास इक्वल मतलब वोटिंग राइट होनी चाहिए, नोबडी शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ वोटिंग राइट जस्ट बिकॉज वो किसी कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं। तो यही यहाँ पे है, इंडिया में हमेशा से ये रह चुका है, बाकी सारी कंट्रीज में आपके डेवलप्ड नेशंस में भी, राइट, USA, फ्रांस, UK, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सफरेज मूवमेंट्स हुए हैं वेमेन के। पीपल ऑफ कलर वर नॉट अलाउड टू वोट, पीपल जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी दे वर नॉट अलाउड टू वोट, बट इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। इंडिया में फ्रॉम डे वन एवरी वन वॉज अलाउड टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मतलब कम्युनिटी जिसमें वो बिलोंग करते हैं। अब 1989 तक ये जो एज लिमिट थी इसको 21 सेट कर रखा था, बट फिर एक अमेंडमेंट आता है 1989 में जिसके तहत हमने 18 कर दिया कि अब 18 है, क्योंकि अब 18 को हम लोग अडल्ट मान ही लेते हैं, तो उसके आगे जितने सारे लोग होते दे कैन वोट, आपका यहाँ पे वो वोटिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल अटल फ्रेंचाइज। तो अब यहाँ पे आप देखोगे अगर ये एक हाथी है एंड यहाँ पे नेहरू जी उसको खींच रहे हैं तो इसका क्या मतलब हो गया, अडल्ट वोट इसके ऊपर लिखा है। इसका बेसिकली यही मतलब है कि यूनिवर्सल अटल फ्रेंचाइज हमको बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ हर डेमोक्रेसी में होना चाहिए, बट इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने में इतना ज़्यादा टाइम जाता है, इतना ज़्यादा एफर्ट आपका जाता है, इतना ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, इतनी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चलना पड़ता है, तो ये बहुत मैमथ टास्क है एक तरीके से। तो तभी उसको एलिफेंट की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। अब आपका जो हमने ये तो बात कर ली कि आपको वोटिंग करने के लिए एक स्पेसिफिक एज होता है 18, बट आपको वोटिंग में आपको खड़े होने के लिए, इलेक्शन में खड़े होने के लिए क्या एज होता है, तो लोकसभा वगैरह में ये एज होती है आपकी 25 ईयर ओल्ड, मतलब एटलीस्ट 25 तो आपको होना ज़रूरी है। और इसमें भी ये ऐसा एक सर्टेन एज लिमिट रखते हैं बिकॉज एक सर्टेन एज तक आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये नहीं है कि आप बहुत यंग एज पर आके आप लड़ रहे हो इलेक्शंस के लिए, बट ऐसा कोई बस एज ही एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, बट ऐसा बाकी कुछ नहीं है कि इनकम क्या है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, आपकी जेंडर क्या है, वो सब पे नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बहुत डिस्कशन हुआ है कि एजुकेटेड लोग ही वोट करें, बट हमारे फाउंडिंग फादर्स जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं उन्होंने एकदम मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा हम कोई भी वैसा इम्बैलेंस नहीं लाएंगे हमारी सोसाइटी में, एवरीवन शुड हैव राइट टू वोट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की। तो ये आर्टिकल आप देख सकते हैं आर्टिकल 324 का पार्ट 1 जो यहाँ पे लिखा है द सुपरिंटेंडेंट्स मतलब ऊपर से सब कुछ देखना डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट एंड ऑफ इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हेल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी वेस्टेड इन अ कमीशन रेफर टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द इलेक्शन कमीशन। इसका बेसिक यही मतलब है कि हर टाइप का इलेक्शन जो आपकी कंट्री में होता है, हर टाइप का इलेक्शन जो हो रहा है,
वो सारे इलेक्शंस जो हैं आपके कंट्री के वो एक कमीशन संभालेगी एंड दैट कमीशन विल बी कॉल्ड द इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना है आपको कि इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन जरूर नहीं कर पाती है, इलेक्शन जो आपके लोकल लेवल पे होते हैं ठीक है, पंचायती वो सब हो गया जैसे, तो वो वाले इलेक्शन जो है आपके, वो वाले इलेक्शन आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है उसके लिए, डिफरेंट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो बेसिकली सेंटर और स्टेट के ऊपर हो जाता है, बट ऑल लोकल गवर्नमेंट में आपका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आ जाते हैं। तो ये आर्टिकल 324 पावर देता है इलेक्शन कमीशन को टू वोट, एंड सुप्रीम कोर्ट अग्रीज विद दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मतलब इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो या तो सिंगल बॉडी मेंबर हो सकता है, सॉरी सिंगल मेंबर बॉडी हो सकता है, या तो मल्टी मेंबर बॉडी हो सकता है। तो 1989 तक जितने इलेक्शन हुए थे उसमें हमेशा इलेक्शन कमीशन जो था वो एक ही मतलब एक मतलब सिंगल मेंबर वो रहता था, बट 1989 के बाद से हमारे पास दो इलेक्शन कमिश्नर आ जाते थे ठीक है। 1989 में भी ये हुआ, फिर उसका 1989 टू 1993, मतलब आप लोग सोचो कितना कम टाइम है, इसमें कौन सा इलेक्शन वगैरह था, बट था यहाँ पे। फिर यहाँ के बीच में मतलब आप देखोगे इलेक्शंस जो हुए यहाँ पे कंडक्ट, वहां पे आपके दो मतलब ज्यादा कोई था नहीं। 1989 टू 1993 में फिर से सिंगल मेंबर हो गया, एंड 1993 के ऑनवर्ड्स आपके दो इलेक्शन कमिश्नर्स आ गए फिर से, और उसके बाद से हमेशा जितने इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे दो इलेक्शन कमिश्नर्स हुए हैं। क्यों दो इलेक्शन कमिश्नर्स हुए हैं? सबसे पहले तो ऑब्वियसली यार काम आसान पड़ जाएगा है ना, ऊपर से अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, एक इंसान के पास सारी पावर नहीं होती। आप सोचो इतना इंपॉर्टेंट टास्क दे रहे हो किसी के, वो कितना आपको अपना पूरा वो करना है, एग्जीक्यूट करना है इलेक्शन, तो एक इंसान के पास नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है और पावर शेयर हो जाती है आपकी। इसके अलावा एक और इलेक्शन कमिश्नर में इंसान होते हैं जिनका नाम होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आप सोचो कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे, बट ऐसा नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन जो है आपके जो दो इलेक्शन कमिश्नर हो गए उनके जितने ही पावर होल्ड करते हैं, बस उनका काम हो गया कि वो हर चीज के ऊपर वो मतलब देखते, वो मतलब प्रिसाइड करते ऊपर, वरना पावर दोनों की इक्वल है, पावर तीनों की इक्वल है ठीक है। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और वो किसके एडवाइस लेते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपको पता है ना, जो आपकी रूलिंग पार्टी है उसके जो मिनिस्टर्स हैं, आपके जो आपके हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, वो सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं उनको, तो उनकी एडवाइस लेके करते हैं। तो आप इससे सोच सकते हो ना कि ऐसा जरूर हो सकता है कि जो रूलिंग पार्टी अभी है वो प्रेसिडेंट को थोड़ा सा पुश करे कि हाँ हाँ तुम इस इंसान को बुलाओ, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाओ, जिससे हम अपना ये जो इलेक्शन सिस्टम है इसको रिग कर सके ठीक है, हम माल प्रैक्टिसेस कर सके। तो उसी रीजन से बहुत डर मतलब ऐसा है, और बहुत सारे सजेशंस डाले गए हैं कि ये वाला प्रोसेस हटा दो, और जो चीफ जस्टिस होता है आपके इंडिया का उनको मतलब बोला करो कि आप अपॉइंट करेंगे, कि यू विल बी द वन हु विल बी अपॉइंटिंग द मतलब आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिससे कोई ऐसा ये ना हो कि इन्फ्लुएंस आ रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी का। इसके अलावा कितने टाइम के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके अपॉइंट हुए जाते हैं? 6 साल का टर्म होता है यूजुअली, 6 ईयर्स या फिर 65 के पहले। तो अगर कोई इंसान है जो 62 पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया, तो वो 65 ये एज आते आते, जबकि उनने सिर्फ 3 साल का टेन्योर दिया है, ही विल क्विट, उनको वो हो जाएगा कि आपका खत्म हो गया, नाउ यू कैन लीव द जॉब। बट कहीं अगर कोई मतलब थोड़ा यंग है तो वो पूरा 6 ईयर का टेन्योर वो ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एक चीज की बात करेंगे, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार समझ लीजिएगा। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट में भी समझाया था। इसके अंदर दो बेसिक पार्ट होते हैं, सबसे पहले तो 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब कि अगर कोई क्लास है ठीक है, क्लास के अंदर आपके पास हो गए मेंबर्स 10 ठीक है, 10 मेंबर्स हैं आपके पास प्रेजेंट, और आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है जैसे कि क्लास मॉनिटर कौन बनेगा, बट 10 लोगों में से सिर्फ 6 लोग आते हैं क्लास में, क्योंकि बारिश हो रही है वगैरह, सिर्फ 6 लोग प्रेजेंट होते हैं क्लास में उस दिन पे। तो अब यहाँ पे आप 2/3 लोगे उन 6 लोगों का ठीक है, ये नहीं है कि 10 लोगों का 2/3 होगा, नहीं, 2/3 ऑफ 6 लोग जो प्रेजेंट हैं वो वोट कर रहे हैं, तो स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 होना जरूरी है। एंड दूसरी चीज होती है सिंपल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर, मतलब कि जो सारे 10 लोग हैं उनका सिंपल मेजोरिटी, 5 से ज्यादा। इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा इससे पहले बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको रिमूव भी किया जाता है अगर आपके स्पेशल मेजोरिटी के अंडर अंडर आपके दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट में लोग स्पेशल मेजोरिटी में वोट करते कि हाँ रिमूव कर दो, तो देन ही कैन बी रिमूव्ड एज वेल। अब उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में। फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो वोटर लिस्ट बनाना ठीक है, कि कौन कौन वोट कर सकता है, वोटर लिस्ट को एडिट करना, कभी कभी लोगों की डेथ हो जाती है उनको हटाना,
कभी कभी लोग नए आते हैं, 18 अभी जैसे मैं हुई हूँ, तो मेरा नाम डालना वहाँ पे वोटिंग उसमें, तो ये सबसे पहला काम हो गया वोटर लिस्ट। उसके बाद उनको शेड्यूल करना होता है इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन किस टाइम पे होगा, कैसे होने वाला है ना, मतलब पोलिंग कब होगी, डिक्लेरेशन कब होगा रिजल्ट का, वो सब काम होता है यहाँ पे। उसके बाद जो सारा इनके पास हैज़ द पावर टू टेक डिसीजन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर पोल। तो अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि कोई इलेक्शन हुआ है किसी जगह पे और वो फ्री एंड फेयर नहीं है, ठीक है, उनको लगता है कि ये रिग्ड है इलेक्शन, यहाँ पे माल प्रैक्टिसेस फॉलो की गई हैं, तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं, उनके पास फुल पावर है ये करने के लिए। द कमीशन जो है उसको कोड ऑफ कंडक्ट निकालना होता है पार्टीज के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, कि ये आपको फॉलो करना है, आपको इसी डिसिप्लिन में रह के आपको आगे का काम करना है। इलेक्शन कमीशन इसके अलावा ऑब्वियसली आपका सिंबल एलोकेशन का भी काम करती है, कि आप सिंबल जो होते हैं ना, मतलब लोटस हाथ वगैरह, वो सिंबल एलोकेशन का काम भी इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाता है। अब इलेक्शन प्रोसेस जब शुरू हो जाता है तो कमीशन जो होता है उसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए उसको बहुत सारे मतलब ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, आपके IAS ऑफिसर्स वगैरह, ठीक है, आपके स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो होती हैं जिनके अंडर वो काम कर रहे होते हैं, उनसे लेके वो इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाते हैं। तो अब ये इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो उसके अंडर आते हैं और वो उनके पास पूरी पावर होती है उन IAS ऑफिसर्स वगैरह के ऊपर, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि इतना बड़ा टास्क, इतना मैमथ टास्क हमको किसी इंसान को देना पड़ेगा, तो वो इसलिए हमको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, इट हैज बीन अनबायस्ड फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाया है, एंड वो मतलब इतना 25 साल पहले जैसे था वो आज वैसा एकदम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन झेल के आया है वो, है ना। हमने मतलब मिलिटेंट एरियाज जैसे आसाम हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर, ऐसे ऐसे सिचुएशंस में हम लोगों ने इलेक्शन करा है, जहाँ पे बहुत हेटेड था टुवर्ड्स इलेक्शन एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं। राजीव गांधी जी जब 1991 में मई के महीने में असैसिनेट हो गए थे, तो उस टाइम पे भी इलेक्शन कंडक्ट कराना, मिडवे में इलेक्शन कंडक्ट करना, तुरंत तुरंत करना, वो सब देखना, गुजरात असेंबली को डिसॉल्व करने का वो करना जब 2002 में रायट्स चल रहे थे, तो ये सारे जो डिसीजंस थे यहाँ पे, तो इतना सारे जो बहुत बोल्ड डिसीजंस है, ठीक है, आपको पूरा सिस्टम रप्चर कर सकता है, बट उन्होंने वो तब भी लिया, बिकॉज दे वांटेड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दे वांटेड टू स्टे ट्रू टू द जॉब जो उनको प्रोवाइड करी गई है। इसके अलावा यहाँ पे एक कार्टून है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्टून में ये बोलते हैं, वॉच आउट, विनिंग द इलेक्शन इज गोइंग टू बी टफ, विल हैव टू फेस द न्यू सिचुएशंस लाइक द कोड ऑफ कंडक्ट, फ्री एंड फेयर पोलिंग्स एक्सेट्रा। मतलब कि वो बोल रहे हैं कि देखो भाई इलेक्शन बहुत टफ होने वाला है, हमको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन वगैरह होने वाला है, कैसे होगा। तो ये बेसिकली एक सार्कास्टिक वो है कि मतलब पॉलिटिशियन जितना ज़्यादा मतलब वो यूज़ करते हैं आपका माल प्रैक्टिसेस वगैरह, कि उनसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने को बोलो तो वो डर जाएंगे, भाई हम ऐसे कैसे जीते। नेक्स्ट है आपका इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो हमने ये पूरा चैप्टर किया, आपने देखा होगा बहुत सारे सजेशन है, आपके दिमाग में भी बहुत सजेशन आ रहे होंगे, कमेंट में जरूर लिखिएगा वट एवर यू थिंक आपके पास है। एंड हम बाकी इसमें जो बुक में थोड़े सजेशन दिए उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सजेशन तो आपको ऑब्वियसली बहुत, अभी भी आप लोग बिलीव कर रहे हो बहुत सारे कि यार FPTV सिस्टम अच्छा नहीं है, ये कौन सी बात हो गई कि 80% सीट्स ले रहे हो पर मिल रहे आपको 50 से कम वोट, है ना। तो आप लोग बोलोगे कि PR सिस्टम लाना चाहिए, ये फर्स्ट आपका सजेशन हो गया। सेकंड सजेशन लोगों का होता है कि वेमेन के लिए वो होना चाहिए ज्यादा, मतलब रिजर्व कर देनी चाहिए सीट, बिकॉज आपकी आधी पॉपुलेशन वेमेन है बट देर नॉट इवन 1/3 आपके पूरे उसमें, तो ये गलत हो जाता है, डिसीजन मेकिंग में इम्बैलेंस आ जाएगा, तो ये एक हो गया। उसके बाद मनी का कितना कंट्रोल होने वाला है पूरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, वो एक चीज हो जाती है। कभी कभी लोग होते हैं वो कितने मतलब करोड़ों में स्पेंड कर रहे होते हैं आपके पैसे, मतलब सोचो आपकी जो ये यूजुअल कॉलेज में पॉलिटिक्स होती है उसमें ही लाखों में इतने पैसे वेस्ट हो जाते हैं, तो असली लाइफ में कितने ज़्यादा करोड़ों में पैसे वेस्ट होते होंगे पूरे सिस्टम में। तो उस पर कैप लगाना कि इतना नहीं कर सकते, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा कैंपेन कर पाएंगे एज कम्पेयर टू जिनके पास नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद कैंडिडेट जिनके पास क्रिमिनल केस है, ठीक है, जैसे ये कार्टून आपके पास है जहाँ पे ये बोल रहा है उसको कि भाई अपनी ओल्ड हैबिट छोड़ो, ठीक है, अपना चेहरा दिखाओ, स्माइल करो, अब इलेक्शन में लड़ रहे हो वगैरह, तो इस ये सारे जो लोग होते हैं जिनके पास क्रिमिनल केसेस हैं इनको रोक देना चाहिए कि आप नहीं खड़े होगे इलेक्शन में, आपके पास इतने केसेस पेंडिंग है और आप खड़े कैसे हो पा रहे हो। नेक्स्ट होता है आपके पास, देर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील इन कैंपेन। मतलब कि कैंपेन में आप रिलीजन के नाम पे नहीं वोट मांग सकते, कास्ट के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हो। नेक्स्ट हो जाता है आपका कि आपका एक लॉ होना चाहिए जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को इंश्योर करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक मैनर में वो अपना फंक्शन कर रहे हैं। तो ये आपके हो गए थोड़े से सजेशंस यहाँ पे।
इसके बाद यही है, खत्म हो गया है आपका चैप्टर, लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आर डेवलप्ड एंड आर एक्टिव इन फंक्शनिंग एज वॉच डॉग्स फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसमें बेसिकली यही कह रहे हैं अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ईसी, कि ईसी इतना इंपॉर्टेंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए कि हमारे एक तरीके से वो वॉच डॉग कह सकते हैं उसको। फाइनली कंक्लूजन में आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ इंडियन इलेक्शन सिस्टम, आप कैसे सकते हो कि सक्सेसफुल हुआ है। तो यहाँ पे आपके चार पांच कुछ दे रखे हैं पॉइंट्स, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि वोटर्स फ्रीली चूज कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, उनको जिनको वोट करना है वो कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि जो वोटर्स होते हैं वो अपना बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वोटिंग करने के लिए, हर साल जितना प्रीवियस टाइम से वोटिंग जितनी पार्टिसिपेशन होती है उसे बढ़ती जाती है, ठीक है, मोर एंड मोर पीपल आर इंटरेस्टेड इन वोटिंग। नेक्स्ट बताता है आपका कि वोटिंग सिस्टम इंक्लूसिव हो चुका है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ FPDP भी फॉलो हो रहा है तो मेजोरिटी में जो है उसी को वोट मिलेगा, नहीं, माइनॉरिटीज को भी ध्यान रखते हुए बढ़ते हम लोग आगे। फोर्थली इलेक्शन जो है अब वो ज्यादा माल प्रैक्टिसेस एंड रिगिंग नहीं होती है, यहाँ पे उनने ये लिख रखा है। नेक्स्ट हो गया आपका फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्शंस जो है हैव बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर डेमोक्रेटिक लाइफ। हम सोच ही नहीं सकते हैं कि मतलब कोई आके बोले नहीं इलेक्शन गलत है, मैं इधर आ जाऊंगा, मैं पॉलिटिकल पार्टी में आ जाऊंगा या फोर्स का यूज करे, अब वो हमारे एक इंटीग्रल पार्ट हो गया हमारे पूरे डेमोक्रेटिक लाइफ का, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से प्लीज कमेंट कीजिएगा, आई होप आपको समझ में आ गया हो अभी तक। एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू अगर आपने अभी तक इतना वीडियो खत्म कर लिया है। सो या डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लुक आउट फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।